दोस्तों एस्ट्रो वेदांग एडवांस मिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों अपनी ज्योतिष और वास्तु ये अपने देश की धरोहर है और मैं दिल से चाहता हूँ कि घर घर तक ये धरोहर पहुँचनी चाहिए। हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो एस्ट्रो वास्तु का ज्ञाता हो और मेरा संकल्प भी है अब घर घर होगा, हर घर में होगा एस्ट्रो वास्तु ज्ञाता। बस देना होगा लगन, समर्पण और समय। दोस्तों इस वीडियो में फ्री एस्ट्रो वास्तु क्लासेस चलेंगी हमारी, ये वीडियो नंबर 1 है। इसमें कुंडली निर्माण की प्रथम गहरी जानकारी दूंगा और कुंडली के बारे में बारीकियां बताऊंगा, ग्रहों के बारे में, ग्रहों की राशि के बारे में, उनके तत्व के बारे में और उनके रेमेडी के बारे में, जिससे आप ये जान सकें कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस वजह से है। दोस्तों ये मैं दिल से चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को, लाइफ को बड़े अच्छे से, आराम से, खुशहाल में जिए। दोस्तों अगर आप भी दिल से वास्तुशास्त्री और ज्योतिष ज्ञाता बनना चाहते हैं तो हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने में देरी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी को यूं ही जाया होने दें, क्योंकि मेरा मानना है ये जीवन बार बार नहीं मिलता और जितना मिला है उसको खुशहाली से जिया जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं, पहले हम कुंडली के निर्माण की प्रथम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जो ये स्केयर में कोई भी चीज होती है तो ये पृथ्वी एलिमेंट होती है, तो ये पृथ्वी एलिमेंट बन जाता है। जो ये त्रिकोण होती है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है तो ये आकाश एलिमेंट की आकृति बन जाती है, और इसी तरह जो त्रिकोण नीचे को बनती है, ऊपर से सीधी और नीचे को त्रिकोण बनती है तो ये जल आकृति बन जाती है, और जो राइट से लेफ्ट को, दाएं से बाएं को जाती है, बाएं को त्रिकोण बनाती चली जाती है तो ये वायु एलिमेंट की आकृति बनती है। दोस्तों और जो त्रिकोण नीचे से ऊपर की तरफ त्रिकोण बनाती है तो ये अग्नि कोण कहलाती है। दोस्तों जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो इसमें त्रिकोण का निर्माण अपने आप हो जाता है, और जब त्रिकोण आपस में मिल जाते हैं तो ये स्केयर बॉक्स बन जाता है, तो ये पृथ्वी एलिमेंट के अंतर्गत आ जाता है। कई लोग रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स बनाते हैं तो वो वायु एलिमेंट आ जाता है। वैसे ये पृथ्वी में बनाना चाहिए क्योंकि ये चारों एलिमेंट जो है, जल है, ये आकाश है, ये अग्नि है, ये वायु है, और ये पांचवा जब हम बॉक्स को स्केयर में बनाएंगे तो ये पृथ्वी एलिमेंट आ जाता है। तो आप कुंडली का निर्माण बड़े अच्छे से कर पाते हो, बहुत गहरे से सोच पाते हो, समझ पाते हो, हर चीज को देख पाते हो, तो हमें स्केयर में ही निर्माण करना चाहिए। अब देखिए जब हम इस स्केयर को, इसमें स्केयर को रोटेट कर देते हैं 45 डिग्री तक तो ये कुंडली का निर्माण हो गया। तो ये अब ये जो 45 डिग्री पे रोटेट होके स्केयर का बॉक्स बन गया तो ये भी कोई एलिमेंट बन जाता है। दोस्तों आज आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ, ये सभी में सभी पांचों एलिमेंट आ गए, और जो ये कोण की शेप बनती है तो ये ब्रह्मांड की शेप है। दोस्तों ये आपके लिए नई बात होगी पर ये बातें मेरे लिए कोई नई नहीं है। दोस्तों अब स्केयर को जब हम 45 डिग्री टिल्ट कर देते हैं तो ये कुंडली का निर्माण हो जाता है। तो आशा करता हूं आप ये त्रिकोणों की भाषा समझ गए होंगे। अब ये एक्चुअल में ये 12 त्रिकोण बनते हैं, इसमें ये 12 त्रिकोण अलग अलग शेप में बनते चले जाते हैं। ये टोटल 12 घर हैं, इसमें 16 त्रिकोण बन जाते हैं। आने वाले इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये 16 त्रिकोण कैसे बनते हैं। दोस्तों आप बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं, एडवांस की जानकारी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो दोस्तों आप सिंपल आज का जो वीडियो है, जो वीडियो नंबर 1 है, उसमें हम इसके ऊपर ध्यान देंगे कि ये घर जो है, ये पहला घर फिक्स रहता है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवा, ये नवा, ये दसवां, ये ग्यारहवा, ये बारहवा, ये घर फिक्स रहते हैं। इन घरों के गुण और अवगुण हैं, आने वाले वीडियो में मैं वो जानकारी देता चलूंगा आपको, पर आज इतना समझ लीजिए कि ये घर हमेशा फिक्स रहेंगे। ये घर एक है तो एक ही रहेगा, ये लगन घर कहलाता है, ये फिक्स घर रहेगा। और जो ये आकृति है सेकंड वाली, दोस्तों इसमें राशियां, क्योंकि राशियां चलायमान है, घर फिक्स रहता है, और घर क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ देखिए कि 1 के बाद 2 आया तो ये 3, 4 ये एंटी क्लॉक चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी राशि आई वो आपका लगन में आई, ये 3 नंबर राशि हो सकती है किसी व्यक्ति की, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेंगे। पर यहाँ ये समझने की बात है कि यहाँ पे जो 3 नंबर राशि आई तो ये क्यों आई। तो दोस्तों सूर्य 13 से लेके 12 तारीख के बीच में, या इस तारीख में संक्रांति आती है, तो संक्रांति की जो मैक्सिमम डेट रहती है लगभग 13 से 17 रहती है। कभी हुआ हो बहुत मुश्किल से कई सालों में 18 आ जाए, नहीं तो ये 13 और 17 फिक्स डेट रहती है, तो सूर्य अपनी राशि चेंज करता है। अब देखिए 3 नंबर जब आएगी तो यहाँ लगन है, तो सूर्य हमेशा लगन में उदय होगा, और जिस राशि में उदय होता है तो वो राशि यहाँ लिखी जाती है। अब ये यहाँ पे जो उदय हुआ
तो ये मिथुन राशि में उदय हुआ। मिथुन राशि कौन से महीने में आती है तो मैं इसका आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। हमेशा सूर्य मेष राशि जो पहली राशि है 13 और 17 अप्रैल में संक्रांति आती है तो उसमें सूर्य पहली राशि में एंटर करता है मेष में। तो इसका फंडा ये हो गया कि एक में आपने 3 प्लस कर देने हैं, 9 महीनों तक 3 प्लस करने हैं आपने। इसमें 3 प्लस किए तो क्या बना, 4 बने। तो 4 फोर्थ महीना कौन सा होता है दोस्तों, अप्रैल का। दोस्तों मैं यहां आपको ये बता रहा हूं कि यहां 3 आया, किसी के 4 आता है, किसी के 5 आता है लगन में, तो राशियां चलायमान है। तो दोस्तों राशि का राज क्या है, तो सूर्य 13 से 17 तारीख के हर महीने की संक्रांति को राशि चेंज करता है और जिस राशि में जाता है तो वो उदय राशि कहलाती है। सुबह जब भी सूर्य उदय होता है तो वो लगन में उदय होता है, तो 6 से 6:30-7 बजे जब भी सूर्य उदय होगा तो लगन में वो राशि लिखी जाएगी हमेशा, ये पेट रूल है। अब देखिए पहली राशि मेष होती है तो पहली राशि में सूर्य अप्रैल के महीने में गया तो अप्रैल का महीना चौथा महीना होता है, तो एक में हमने 3 प्लस कर दिए तो अप्रैल के महीने में पहली राशि में आएगा। और इसी तरह आप 3-3 प्लस करते चले जाएंगे और 9-3-12 हो जाएंगे तो दिसंबर में वो धनु राशि में आता है। अब यहाँ दिसंबर तक तो आपने समझ लिया, अब यहाँ जनवरी जो दसवीं राशि है तो इसमें आपने पेट रूल है, इसमें 9 माइनस कर देने हैं आपने। पहले 3 प्लस कर रहे थे 9 तक, अब जो 10-11-12 है इसमें तीनों में 9-9-9 माइनस होंगे, तो 9 माइनस किए तो पहला महीना कौन सा बना, जनवरी का। इसी तरह 11 है तो 11 में 9 माइनस किए तो कितने हुए, 2। बस इतना ख्याल रखना है आपने। और जो मीन राशि है इसमें से हम 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये मार्च वाले 13-17 मार्च से लेके अप्रैल 13-17 तक जो भी संक्रांति आती है, संक्रांति से संक्रांति, तो ये तीसरा महीने का क्या हुआ, ये मार्च में जन्मे लोग होते हैं तीसरी राशि में सूर्य होता है तो वो लगन बन जाता है, तो वो लगन यहाँ पे उदय होता है। तो लगन हर 2 घंटे बाद बदलता चला जाता है, क्योंकि अब 3 नंबर में तो सूर्य उदय हो गया, अब 2 घंटे बाद वो आगे बढ़ेगा तो 3 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये 3 में सूर्य ऐसे चलता चला जाएगा। ये सुबह है, ये 2 घंटे बाद है। दोस्तों जो लगन है वो 6 से 8 2 घंटे रहेगा, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 6 बजे यहाँ पहुंच जाता है और 8 बजे तक रहता है, और 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, रात के 2 बजे यहाँ होता है, और 2 से 4, 4 से 6 और 6 से आगे फिर वही 6 से 8 यहाँ। अब देखिए यहाँ तक तो दिन चलता है, अगर किसी का सूर्य पहुंचता किसी भी राशि में यहाँ बैठा है तो उसका जन्म 6 से 8 के बीच है, तो ये भी आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि व्यक्ति का सूर्य जहां बैठा है तो उसका जन्म किस समय का हो, किस टाइम का होगा, तो ये इससे ही पता चल जाता है आपको, क्योंकि सूर्य रोटेट करता रहता है। अगले दिन फिर सूर्य उसी राशि में उदय होगा 3 में अप्रैल के महीने तक, जब तक संक्रांति नहीं आती अप्रैल की तब तक वो 3 सुबह 6 से 8 यही उदय होता रहेगा, फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है क्योंकि अगली राशि में आना होता है, तो ये क्लॉक वाइज चलता है। फिर देखिए क्लॉक वाइज कहा था मैंने, तो 3 सूर्य यहाँ, फिर सूर्य यहाँ, सूर्य यहाँ, सूर्य यहाँ, सूर्य यहाँ, ये क्लॉक चलता है। अब देखिए यहाँ तो दिन रहा, ये 6 बजे एंटर कर गया शाम के और 8 बजे तक यहाँ है, फिर ये आगे रात शुरू हो जाती है, और यहाँ से जिनके जन्म है सूर्य अगर इन राशियों में कहीं बैठा है तो उनका जन्म रात का है। तो रात में क्यों, क्योंकि पृथ्वी जब मूव कर रही होती है जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं और वहां तो दिन रहता है, उसके बाद पृथ्वी का जो पीछे का घूम के पीछे चली जाती है, क्योंकि पृथ्वी का दिन रात जो बनते हैं उसकी रोटेशन से बनते हैं, तो ये रात का समय रहता है, फिर जब पहली किरण पड़ती है पृथ्वी के ऊपर तो ये राशि उदय हो जाती है, तो सूर्य दिन का हो जाता है। तो ये दिन और ये रात, ये आपने समझना है। अब देखिए दोस्तों ये राशि है, ये ग्रह है, ये तत्व है, पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, पांचवी सिंह है, 6 कन्या है, 7वीं तुला है, 8वीं वृश्चिक है, 9 धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है और 12वीं मीन है। और पहली का मालिक कौन है, मंगल है। मंगल का एलिमेंट क्या है, अग्नि राशि है, ये जो राशि है ये अग्नि है, पहली राशि अग्नि कहलाएगी, और दूसरी शुक्र है और ये पृथ्वी एलिमेंट की राशि है, तीसरी मिथुन है इसका मालिक बुध है ये वायु एलिमेंट की राशि है, चौथी कर्क है इसका मालिक चंद्र है और ये जल तत्व की राशि है, पांचवा सिंह है ये सूर्य की राशि अपनी राशि है और इसका जो एलिमेंट है वो अग्नि है, छठी राशि कन्या है ये बुध मालिक है पृथ्वी राशि है ये, 7वीं तुला है शुक्र मालिक है वायु राशि है, 8वीं वृश्चिक है मंगल मालिक है जल तत्व की राशि है, 9 क्या है धनु है गुरु मालिक है अग्नि राशि,
दसवीं मकर शनि मालिक पृथ्वी राशि, ग्यारहवीं कुंभ शनि मालिक वायु राशि, बारहवीं मीन गुरु और जल एलिमेंट है ये। अब देखिए दोस्तों, जो पहली है, पहली से आठवीं इन दोनों का मालिक मंगल है, पहली राशि अग्नि है पर आठवीं जल आ गई। अब दूसरी और सातवीं का शुक्र है पर एलिमेंट बदल गई और वो पृथ्वी है, ये वायु का प्रभाव आ जाएगा इसमें और उसमें वो पृथ्वी एलिमेंट का प्रभाव लेके बैठी है। ये भी मैं क्लियर करता चला जाऊंगा कि इन एलिमेंट के क्या प्रभाव होते हैं और शुक्र वैसा कैसे बन जाता है और किस घर में बैठा है जाके। घरों के भी गुण अवगुण पढ़ेंगे, राशियों के भी गुण अवगुण पढ़ेंगे और नक्षत्रा के भी गुण अवगुण पढ़ेंगे और नक्षत्रा को याद करने की विधि बताऊंगा, राशियों को भी याद करने की विधि बताऊंगा। ये आपके लिए बड़ा टिप्स पे आ जाएगा, आप अपनी जिंदगी में बड़े अच्छे से ज्ञात कर पाएंगे, याद कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। और मैं दिल से चाहता हूं कि आप एक सफल वास्तुशास्त्री और एस्ट्रोज्ञाता बने। अब देखिए, जो तीसरी और छठी है ये दोनों का मालिक बुध है पर एक वायु है और दूसरी पृथ्वी है। चंद्र के पास एक ही राशि है और सूर्य के पास भी एक ही राशि है। चंद्रमा जल है और सूर्य अग्नि है और इन अग्नियों में एक पांच जो नौ है ये त्रिकोण बनते हैं। मैं ये बाद में बताऊंगा कि पर तीनों का मालिक एलिमेंट कौन है, अग्नि है। जो ये है ये हमारी शरीर का अग्नि है दोस्तों और जो सूर्य की अग्नि है ये हमारी आत्मिक बल अग्नि है। आत्मा का कारक होता है सूर्य, ये आत्मा की जो अग्नि है, आत्मा का जो बल है ये वो वाली अग्नि है। और जो धनु अग्नि है ये हमारे ज्ञान की अग्नि है क्योंकि अग्नि के तेज का सहारा लेके ही बुद्धि कार्य करती है और जो ज्ञान प्रगाढ़ होता चला जाता है वो इस अग्नि के कारण। ये ज्ञान की अग्नि है, ये आत्मिक अग्नि है, ये हमारे शरीर की अग्नि है। ऐसे ये पृथ्वी है, वायु है, ये आपको बाद में बताऊंगा बड़े गहरे से क्योंकि एक ये छोटा टॉपिक नहीं है। आने वाले वीडियो में मैं ये विस्तार से आपको बताता चला जाऊंगा। अब देखिए, हमने यहाँ आठ तक कर लिया था, एक और आठ, नौ और बारह ये दोनों गुरु की राशियां हैं पर एक अग्नि है एक जल है। इनमें एक गुरु जल का प्रभाव लेके बैठा है बारहवीं में और धनु में अग्नि का प्रभाव लेके बैठा है। दसवीं और ग्यारहवीं क्या है, ये कुंभ, मकर और कुंभ है, ये दोनों शनि के हैं, एक पृथ्वी है एक वायु एलिमेंट है। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे। ये लग्न मैंने आपको घर बता दिए, लग्न बता दिया। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपका आज और आने वाला कल हमेशा मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद।